इंट्रोड्यूसिंग अश्वत्थामा का ये ब्रेकडाउन बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाला है और इसमें मैंने कुछ ऐसी डिटेल्स बताई हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग हैं। द्वापर युग के कुरुक्षेत्र युद्ध से लेकर कलयुग में होने वाले फ्यूचर में इवेंट्स सब मैंने बहुत ही ज्यादा खोद कर निकाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ओपनिंग सीन में हमें शिवलिंग दिखाया जाता है जिसमें अभिषेक के रूप में धीरे धीरे कर एक एक बूंद पानी गिर रहा होता है, जैसे कि मानो कि वो पानी खत्म होने वाला है। और उसके बाद हमें अश्वत्थामा दिखाए जाते हैं जो कि शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना या फिर तपस्या कर रहे होते हैं। फिर एक पॉइंट पर हमें वही शिवलिंग फिर से दिखाया जाता है, लेकिन अब की बार उसके ऊपर पानी गिरना बंद हो जाता है। और यही चीज अश्वत्थामा चेक भी करते हैं जब वो शिवलिंग के विष्णु पीठ पर हाथ लगाते हैं, यानी कि वही जगह है जहाँ से पानी या फिर दूध निकलता है। और उसके तुरंत बाद वो ऊपर देखते हैं कि पानी गिरना बंद हो चुका है और कहते हैं कि अब समय आ गया है। और यही उनके लिए संकेत था कि जिस दिन उस शिवलिंग पर पानी गिरना बंद हो जाएगा, समझ जाना कि अश्वत्थामा अब तुम्हारे मोक्ष का समय आ चुका है, यानी कि कलयुग का अंत। और इसलिए वो कहते हैं कि मेरा समय आ गया है। और उसके बाद वो ये वाली लाइन भी बोलते हैं कि मेरे अंतिम युद्ध का समय आ गया है, जो कि वो विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के साथ मिलकर लड़ेंगे। इन्हीं शॉट्स के बीच में हमें एक बहुत ही ज्यादा कूल शॉट दिखाया जाता है जिसमें अश्वत्थामा यंग होते हैं और उनके सर में वो मणि लगी हुई होती है। ये शॉट द्वापर युग से कुरुक्षेत्र युद्ध के समय का है, जब अश्वत्थामा कौरवों के साइड से पांडवों के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। उनके चेहरे पर हम इंजरीज भी देख सकते हैं और उनके पीछे रथ का मूवमेंट भी हो रहा होता है। इसके तुरंत बाद ही सीन कट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर उस मणि की जगह एक गहरा घाव होता है और उनकी स्किन भी खून और पस की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में होती है, जो कि वही सेम कंडीशन है जो कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते समय बोला था। इसके बाद ये वाला शॉट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस बात को। ये चीज जो कि एक कवच है, इसमें रखी हुई है अश्वत्थामा के सर की मणि। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अगले ही शॉट में हम अश्वत्थामा के सर पर वो मणि लगी हुई देख सकते हैं। अब मुझे पता है कि हिस्ट्री में कुछ और ही हुआ था। श्री कृष्ण और ऋषि व्यास के कहने पर अश्वत्थामा को उनके सर से ये मणि निकालनी पड़ी थी, जो कि बाद में पांडव द्रौपदी को दे देते हैं और द्रौपदी वो मणि उनके पति युधिष्ठिर के मुकुट में लगवा देती हैं। लेकिन ये चीज जब हुई थी वो समय द्वापर युग का था, और अब कलयुग के अंत में जो कि इस मूवी की टाइमलाइन भी है सन 2898 AD, उस समय इन्होंने बताया है कि द्वापर युग से कलयुग के एंड तक के पीरियड के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा कि समाओ ये मणि अश्वत्थामा को वापस मिल चुकी है। और यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो जैसे ही अश्वत्थामा ने वो मणि उनके सर में वापस लगाई, उनके शरीर के सारे घाव ऑटोमेटिकली भर गए। और इस मणि का काम फंडामेंटली शुरू से यही था, जब अश्वत्थामा पैदा हुए थे तो ये मणि उनके सर में लगी हुई आई थी, जो कि उन्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करती थी और लगभग उन्हें इमॉर्टल बना देती थी। फिर इसके बाद खुद अश्वत्थामा भी कह देते हैं कि मैं द्वापर युग से दश अवतार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उन्हें श्राप दिया था कि कलयुग के अंत तक तुम इस धरती पर ही तड़पोगे। लेकिन अब क्योंकि कलयुग के अंत में उन्हें ये मणि वापस मिल चुकी है, तो वो अपना पश्चाताप कर सकते हैं, जो कि विष्णु जी के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार की मदद करके होगा। फिर उनके हाथ में उनकी वही पुरानी द्वापर युग वाली कमान भी होती है, जिसका साइज लगभग 8 फुट का तो होगा ही, और होना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसी कमान पर उन्होंने अर्जुन के सामने ब्रह्मास्त्र को समन किया था। इसके बाद अश्वत्थामा कहते हैं कि मैं हूँ द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। और एडिटर्स ने इस सीन में अश्वत्थामा के फुटस्टेप्स की साउंड की इंटेंसिटी कुछ एक्स्ट्रा ही बढ़ा दी है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, ऐसा मूवीज में तब करते हैं जब हम किसी को बहुत ज्यादा पावरफुल बता सकें। और इससे हमें पता चलता है कि ये इंसान सिर्फ इंसान नहीं है, ये वीर योद्धा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है। इस अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन वाले सीन की एक बहुत ही ज्यादा खास बात है, जो कि हमें बताती है कि ये मूवी कितने ज्यादा हाई कन्विक्शन के साथ बनाई जा रही है। ये पहली इंडियन मूवी है जिसमें हमें मल्टी लैंग्वेज देखने को मिल रही है, एक दो या तीन नहीं, इस सीन में हमें पूरी 6 लैंग्वेजेस देखने को मिली है। पहली तेलुगु, फिर तमिल, जनरेशन गैप अनुकुंटा, फिर कन्नड़ा, उसके बाद मलयालम, इधर टेम्पल आनो, फिर हिंदी, तुम भगवान हो, और फिर इंग्लिश। वेट फॉर मी। ये मूवी दिखाता है कि मेकर्स इस मूवी को पैन इंडिया बनाना चाहते हैं, जिसको करने के लिए इन्होंने इस मूवी में लैंग्वेज डाइवर्सिटी वाला फैक्टर डाला है। ऐसी चीजें हमें बाहर की मूवीज में देखने को काफी मिलती हैं, जैसे कि चाइना और जापान, और अब इंडियन मूवीज में ऐसा होते हुए देख रहा हूं तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो जरूर पसंद आई हुई होगी, और इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेना जिसमें मैंने 7 हॉलीवुड मूवीज को बताया है जो कि इंडिया में बनी हुई है। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपना प्यार बढ़ाते रहना और देखते रहिए सुपर नेक्स्ट।